हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप अभी डूइंग ओके। तो आज हम जा रहे हैं सदर, और सदर क्यों जा रहे हैं ये वहां जाके आपको पता लगेगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। फाइनली हम यहाँ पे सदर में आ चुके हैं, और असीब अभी जो है गिम्बल लेना है मुझे, आज ले रहे हैं गिम्बल। ये कैमरा मार्केट में खड़े हुए हैं, सही है, सदर की कैमरा मार्केट है सबसे बड़ी। यहाँ पे पहुंच गए हैं, बड़ी रश से निकल के, बड़ी ट्रैफिक थी आगे ना। भाई यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे इनके पास स्मूथ पाइप नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरा एक गिम्बल लेने गए भाई, तो वो देखते हैं वो कैसा, अगर वो समझ आया तो वो ले लेंगे। यहाँ पे हम गिम्बल को टेस्ट करते हुए कुछ शॉट्स ले रहे थे। ये डोली शॉट है, और ये भी कुछ डोली शॉट लिया था हसीब का मैंने। भैया फाइनली गिम्बल ले लिया भाई से, अभी निकलते हैं यहाँ से और उसके बाद रिव्यू करता हूँ घर जाकर। भाई बहुत ट्रैफिक है आसिफ, कैसे जाएंगे यहाँ से? भूख लगी थी बहुत ज्यादा, तो जैतून पे जरा बिरयानी क्या खाएंगे? जो समझ में आया बिरयानी, जो समझ आया खाएंगे। बहुत भूख लगी थी आसिफ और मुझे, अभी शाम के 5:30 बज रहे थे, तो हमने अभी तक लंच नहीं किया। सही। चलो चलते। कहाँ बैठे? इधर। हाय 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 हाय, मजा आ गया यार, मेन्यू आ गया। और ये क्या खाना है आसिफ तुमने? आइसक्रीम खाएगा सर्दी में? ये ना यार, चलो जरा। भाई यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा हमें, गजब बेइज्जती है यहाँ पे। ये स्टार्ट होता है शाम को, कितने बजे स्टार्ट होता है? 7 बजे। 7 बजे स्टार्ट होता है ये। अभी इनके पास कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से चाय होगी, इसीलिए भाई ने, एक बंदे ने बोला कि हाँ ऊपर चले जाओ। देखो यार बस ये एक गजब बेइज्जती है। चलो कोई बात नहीं, भूख बहुत ज्यादा लगी है, कहीं और चलते हैं। मेरे इधर आए हुए अभी हम, बस कुछ मिल जाए खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। इधर चले यहाँ से बैठते हैं, ये दो बंदों के लिए। होटल बहुत प्यारा बना हुआ है, नसीब गया वॉशरूम, और हमने डिसाइड कर लिया कि बिरयानी खाएंगे। हाँ तो भाई काफ़ी खुआरी के बाद जो है ना, अब हम लोग आए हैं अल हरमैन होटल पे, और वहाँ पे जो है हम लोगों ने खाने का सीन बनाया, क्योंकि भूख बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी, दोपहर के निकले हुए थे, ना मैंने कुछ खाया हुआ था ना बिलावल ने कुछ खाया हुआ था। और बस अब यहाँ पर आए, मैं कब से इसीलिए चुप था क्योंकि पेट में इतने छुए दौड़ते, कुछ बोला नहीं जा रहा था मुझसे, लेकिन अब यहाँ पर आया हूँ तो एक आसरा मिला है, और स्टिंग एनर्जी का झट्स का वो मतलब मुझे एक झटका मिला है, मतलब अभी खाया नहीं है कुछ भी, फिर भी यार एक उम्मीद तो है ना कि मतलब आ रहा है खाने वाले, ये चीज है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि उम्मीद की दुनिया कायम है यार, तो एनर्जी आ ही जाती है खाने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है कि आप मतलब खाने के लिए इतना हैशी वैशी नहीं है, ना खाने से पहले ही आपके अंदर एक पावर आ गया, आपने ऑडियंस से हेलो आई कर दिया मेरे। और अभी ये सीन है कि अभी हमने मंगवाई है बिरयानी और चिकन, कौन सा मंचूरियन मंचूरियन मंगवाया है, मंचूरियन राइस फर्स्ट टाइम खाऊंगा मैं,
भाई बर्गर नहीं हूँ मैं, सही है ना, ये हम बिरयानी खाते हैं कराची वाले। यार हमने मैंने ना फर्स्ट टाइम यहाँ ट्राई किया था अपने दोस्त के साथ मंचूरियन राइस, तो मुझे यहाँ का मंचूरियन राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो आपको भी मैं यही गाइड करूँगा अगर कभी खाना हो तो यहाँ पर आ जाए, और ये बहुत ही मतलब अच्छा रेस्टोरेंट और यहाँ का टेस्ट बहुत ही बरकरार होता है। आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी कि मंचूरियन राइस कैसे होते हैं। खाना हमारा आ चुका है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़े लिया, बहुत मज़े लिया। अब उसके बाद चिकन मंचूरियन भी खाने मुझे, अभी खाते हैं चिकन मंचूरियन, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भाई ये मुझे दे दो, ये आ गया मेरे पास, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये मैं चिकन मंचूरियन, पता नहीं कैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया यहाँ पे, अब ये आ गया मेरे मुंह में। गर्म बहुत है, अच्छा लगा यार मुझे, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। आज के बाद ये भी फेवरेट लिस्ट में आ गया मेरे। ओके, लंच हो गया हमारा, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। चिकन मंचूरियन बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, इन आइंदा भी मंगवाता रहूँगा मैं। भाई घर जैसे गया मैं तो मेहमान आए हुए थे, इसलिए मैं दुकान पे आ गया सीधा, तो आपको मैंने रिव्यू भी नहीं दिया उसका लेमन का, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। और कल हम जा रहे हैं कराची ईट फूड फेस्टिवल, क्योंकि कल है 8 जनवरी और कल है उसका लास्ट डे, 3 दिन हुआ था, 6, 7, 8, तो हम कल जाएंगे क्योंकि कल की टिकट सूझ मिली मेरी। भैया ये मेरे सब्सक्राइबर है और हम दुकानदार हैं, तो हमको सब्सक्राइब करते हैं, अगर नहीं करते तो मोबाइल पकड़ के मैं खुद कर लेता हूँ। बहुत तेज हो रहे हैं, कैसा सही है ना? गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरी दुकान है, सामने डीसी भाई की दुकान है, तो अभी मुझे भूख लग रही थी, इनसे मैंने जो है ना इनको बोला कि यार भूख लगी है कुछ खिला दो, तो इन्होंने बोला कि आ जाओ यार आपकी अपनी बेकरी है, आप आ जाओ, ठीक है आपको कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो अभी चलो उसके पास चलते हैं, ठीक है। दुकान में अजमत को बिठाया हुआ है मैंने, अभी चलते हैं डीसी के पास। भैया मैं आ चुका हूँ गुजर भाई के पास, फहीम गुजर भैया, मैं आ चुका हूँ आपके पास जी। तो ये ऑडियंस भी देख रही है आपको, आपने बुलाया था मुझे, मुझे क्या खिला रहे हो अभी आप? भाई पूरी दुकान ही आपकी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केक रखे हुए बिस्किट पापे, भाई ये केक रखे हुए हैं, ये डोनट रखे हुए हैं, डोनट फेवरेट है मेरा, डोनट उठा लूंगा मैं सही है। बाकी ये बेकरी है पूरी, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आके, बेहतरीन फ्रेश फ्रेश चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। सामने केक रखे हुए हैं, ये बेकरी है पूरी भाई की माशाल्लाह से। भैया मुझे डोनट खिला दो आप। हाँ सर आपके लिए, जो मर्जी खाएं, जो अच्छा लगता वो खाएं। ये चॉकलेट, चॉकलेट वाला जी, जी चॉकलेट वाला, बस ये एक ही चाहिए मुझे, बाकी घर जाके खाना भी खाना है, ठीक है। ओके भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूबर बनने का पहला फ़ायदा फ्री में मिला है। अभी घर में आ चुका हूँ, दुकान बंद कर दी मैंने, और डोनट मिला है आज मुझे फ्री में, तो खाना भी नहीं खाया मैंने, पहले खाना खाऊंगा उसके बाद मीठे खाने का दिल करता ही है तो फिर डोनट खाऊंगा। भाई आओ जरा रिव्यू करते हैं DJI Osmo 4 का। ये रहा DJI Osmo 4, ये इसका बैग है, और ये रहा गिम्बल, ये गिम्बल है, ठीक है, और ये अनलॉक होगा इस तरह, यहाँ से पकड़ के यूं करना, और ये हो गया ऑन, बल्कि नहीं अनलॉक हो गया। ये रहा हमारा गिम्बल, इसको सेटअप लगा लेते हैं उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है इसका मिनी ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि इसके नीचे का सपोर्ट है, इसके बगैर ये खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लगाएंगे यहाँ पे इस तरह, ये यहाँ पे हो गया ओके, उसके बाद हमारा गिम्बल हो गया रेडी, रेडी फॉर यूज़। तो इसमें मोबाइल लगाएंगे, इसमें मोबाइल कैसे लगेगा, ये है मैग्नेट, ठीक है,
तो इसका जो मोबाइल होल्डर है वो भी मैग्नेट का है। उसमें अच्छी बात यह है कि ये इजीली लग जाता है। इसमें जब ये मोबाइल लगाएंगे इसमें इस तरह ऐसे, उसके बाद ये यहाँ पे जो है सिर्फ यूं करके ये इस तरह दिख रहा है आपको, ये यहाँ मोबाइल लगेगा। तो ये गिम्बल लिया है मैंने और आपके साथ रिव्यू कर चुका हूँ मैं इसका अभी। तो अभी इसमें मोबाइल लगाना है, उसी मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, तो लगा नहीं सकता, ये रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी। और उसमें मोबाइल लगा के अब जो फुटेज देखेंगे आप इसकी दिखेंगे। ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये है ओसमो 4। अभी ये रिकॉर्डिंग इस गिम्बल से हो रही है, ये देख सकते हो आप, बहुत सारे मोड है अभी। तो ये देखो आप, ये मुझे भी पहले देखना पड़ेगा कि यूज़ कैसे होता है, बस आपको दिखा दिया कि मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे हम अपनी वीडियोस में। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल कराची ईट फूड फेस्टिवल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मुझे दीजिए इजाज़त, ओके बाय। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा के जाना। उससे क्या होगा कि मेरी हर नई वीडियो आने वाली जो होगी उसके अपडेट्स और नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको।